सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आप सभी चैनल सॉल्यूशन में। दोस्तों यहां हम बात करने वाले हैं फोन के आईएमई नंबर के बारे में। दोस्तों यहां पे आपको काफी सारे इंटरनेट पे वीडियो मिल जाते हैं जिसके अंदर फोन के आईएमई नंबर के बारे में बताया जाता है कि भैया फोन का आईबी नंबर से आपने किसी भी फोन को आप ढूंढ सकते हैं। केवल पुलिस में जाना है, वहां पर आपको आईबी नंबर देना है अपना और रिपोर्ट दर्ज करानी है। बट यहाँ पे काफी केसेस में आपको काफी सारे वीडियो ये भी मिल जाते हैं कि बस फोन पे कुछ टाइप करें, कोड आपको फोन का आईबी नंबर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको बॉक्स में देखना होता है। बट मान लीजिए आपका जो फोन का आईबी नंबर नहीं मिल रहा आपको, आपका बॉक्स है वो भी कहीं खो गया, आपका फोन है वो भी लॉस्ट हो चुका है, तो अब बिना आपके फोन को यूज में लिए तो यहाँ पहले से तो आपको पता नहीं चलेगा भैया मेरा फोन खोने वाला है। आप चेक भी नहीं करते हैं तो आपका फोन खो गया, आपका आईबी नंबर याद नहीं है, तो कैसे आपको आईबी नंबर निकालना है फोन का बिना फोन को यूज लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीमेल का जो अकाउंट है वो साइन इन करना है। वही अकाउंट आपको साइन इन करना है जो आपने अपने फोन के अंदर लगाया था, यानी आपका जो फोन खो चुका है, जो फोन लॉस्ट हो चुका है, आपको उसी फोन का आईबी नंबर जानना है। तो दोस्तों वहां पर आपको जो एंड्रॉइड आईडी लगाई थी आपको वही साइन इन करनी है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइन इन कर ली है एंड्रॉइड आईडी। और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल के ऊपर जाना है, वहां पर टाइप करना है वेयर इज माई फोन। आप जैसे दोस्तों वहां पर वेयर इज माई फोन टाइप करते हैं, आपके सामने जो आपकी जो भी आपका फोन था वो यहाँ पे शो होने लग गया दोस्तों, क्योंकि आपका एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट होता है तो इस वजह से ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका फोन शो होने लग गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है फोन के ऊपर, आप देखते हैं मेरे वीवो V3 मैक्स का फोन है जो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इसका डिवाइस मैनेजर जो है गूगल फाइंड माई डिवाइस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में एक आइकन दिख रहा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके फोन का जो आईएमई नंबर है वो यहाँ आ चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने फोन का आईएमई नंबर ढूंढ सकते हैं बिना फोन को हाथ लगाए, यानी कोई भी आपको फोन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के बॉक्स की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपनी वही ईमेल आईडी डालनी है जो आपने एंड्रॉइड में लगाई थी दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने आईडी को अपने फोन को ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अभी कमेंट करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप सबको मिलते रहें।